वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट से, और इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू सम करंट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको मिल सके। और अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के नोट्स भी डाउनलोड करने हैं हैंड रिटन, तो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि है mparmanuphysics.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर वायर है। इस सर्कुलर कोयल का जो रेडियस है वो आर है, और इस वायर के अंदर हम करंट डाल देते हैं आई। करंट कुछ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है और करंट की जो वैल्यू है वो है आई। तो हम कहीं भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक करंट एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन में एक करंट एलिमेंट डीएल लेट करते हैं, जिसकी वैल्यू होगी, नाम है ए बी और वैल्यू है यानी कि लेंथ है वो है डीएल। अब यहाँ से सेंटर से उसको एक पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करते हैं वो है आर। डीएल से ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस डीएल की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डीएल की जो वैल्यू ऐसे है और ये पोजिशन वैक्टर है ओ पॉइंट का, और ये जो एंगल है वो थीटा है, और क्योंकि ये एक सर्कल है और ये हमेशा रेडियस होगा और ये हमेशा टेंजेंट से दिया जाता है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर थीटा बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा इन केस ऑफ सर्कुलर कोयल। तो अगर हम बायवर्ट शेवर्ट लॉ लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस सेंटर पर, अगर पी पॉइंट इसको हम बोलते हैं, तो वो होगा डी बी म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर आर क्यूब। क्रॉस की जगह पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90, अगर 90 है तो क्या होगा 1। तो ये होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे हम, जो पाम की जो हमारी कर्वेचर है उसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में होगी, और जो थंब है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा इस ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट या पी पॉइंट पर। जैसे कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है ऐसे क्लॉकवाइज, तो हम इसको इस तरह घुमाएंगे ऐसे, हाथ को उल्टा करके राइट हैंड को उसकी तरफ, जो हमारा थंब होगा वो थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा ऐसे। तो जो थंब पॉइंट कर रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, और वो भी इनसाइड यानी कि इनवर्ड अंदर की तरफ। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें वो डाउनवर्ड मिलेगा परपेंडिकुलर। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इन सभी स्मॉल स्मॉल करंट एलिमेंट्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी स्मॉल एलिमेंट्स डीएल का समेशन करेंगे उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का। तो डी बी है एक के लिए और डी बी का इंटीग्रेशन कर दें हम सभी मैग्नेटिक सभी इस डी एल्स के लिए, तो हमें मिलेगा बी। तो वो होगा म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। म्यू नोट 4 पाई सभी कॉन्स्टेंट हैं, डी एल सिर्फ अंदर बचेगा, और सर्कल के केस में जो टोटल लेंथ होती है डी एल की वो हमेशा 2 पाई आर यानी कि सर्कमफ्रेंस होती है। अगर यहाँ पर आर इसका रेडियस है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ म्यू नोट ओवर 4 पाई 2 आई ओवर आर। ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये हमें डी बी की वैल्यू मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वहाँ पर उसके सेंटर पर। तो हम अपने डेरिवेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर अगर हम बात करते हैं एन सर्कुलर कोयल्स की वजह से, तो अगर सर्कुलर कोयल्स की जो वैल्यू है वो एन हो, एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। तो फॉर्मूला होगा म्यू नोट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर एन। अब किसी भी सर्कुलर कोयल के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस की बात करें तो कुछ इस तरह होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा उस कोयल के सरफेस के, वो अंदर जाएगा। अगर करंट की वैल्यू, करंट ऊपर की तरफ है, लेकिन ये करंट नहीं है ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट इस तरह है लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा ऐसे, ऊपर की तरफ कर्वेचर ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अंगूठे की तरफ होगी यानी कि ऊपर की तरफ होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस प्लेन के अंदर से निकल कर बाहर की तरफ आएगा और क्लोज लूप बनाएगा ऐसे, अंदर से निकला बाहर घूम के दोबारा अंदर घुस गया, अंदर से निकला बाहर गोल घूमकर ऐसे क्लोज लूप की शेप में होगा। तो इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हैं किसी भी सर्कुलर कोयल के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इसी के स्पेशल केस के बारे में, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें किसी आर्क के लिए, तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे। अगर ये कोई आर्क है, इसके यहाँ पर एंगल अल्फा है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, यहाँ पर रेडियस आर है,
तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर, एल्फा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर होगी एल बाई आर, थीटा यहाँ पर होता है। अगर मैं बी की बात करता हूँ, म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई ओवर आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर होता है टोटल लेंथ, जो कि उस केस में हमारे पास टू पाई आर था, आर से आर कट गया था, टू पाई आई और ए बच गया था। तो लेंथ आर की जो लेंथ है वो हमारे पास है एल, और एल को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ अल्फा आर की फॉर्म में, तो एल की जगह पर लिख देता हूँ अल्फा आर, आर से आर कैंसल आउट, म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई ओवर आर अल्फा। तो ये बचेगा किसी भी आर्क के लिए, अगर आर्क के अंदर हमें सिर्फ अल्फा पता है और ये रेडियस पता है और करंट पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब कुछ एक स्पेशल केस है, अगर हम बात करते हैं दो कॉइल्स रखी हैं इसी तरह की और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दें, अगर हम उनकी एक्सिस अलग अलग, एक्सिस तो सेम है मूव करने की घूमने की, लेकिन उनके जो डायरेक्शंस हैं यानी कि उनका जो कॉइल रखने का जो तरीका है वो अगर घुमा दिया जाए, तो एक का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी वन होगा, दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी टू होगा, अगर ये अलग अलग डायरेक्शंस में रख रखी हैं हमने, तो इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हम वेक्टर सम से दे सकते हैं, तो वो होगा बी इज इक्वल टू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर का अंडर रूट। तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर दोनों में करंट एक डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होगा। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है, टोटल बी की वैल्यू है, वो हमें अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर से मिल सकती है। अगर हमारे पास कुछ कॉइल्स ऐसी हैं, सर्कुलर कॉइल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर हैं, एक में करंट, दोनों में करंट कुछ इस तरफ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ ऊपर की तरफ होगा, तो जो बी है वो ऐड होगा बी टू के अंदर सिंपली, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा बी वन प्लस बी टू। अगर एक में करंट इस तरफ है और एक में करंट इस तरफ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ होगा। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से दूसरा माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देते हैं बी वन माइनस बी टू, तो टोटल हमें बी मिल जाएगा। तो इस तरह हमारी ये डेरिवेशन जो है वो ख़त्म होती हैं। तो आप डेराइव कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए सेम डेरिवेशंस।